बिहार दरोगा का रिजल्ट आ चुका है, जहां मजदूर से लेकर किसान तक के बेटा और बेटियों ने कामयाबी हासिल की है, जिसको लेकर गांव से लेकर शहर तक में चर्चा हो रही है। लेकिन आज हम आपको एक ऐसी कहानी बताने जा रहे हैं जो प्रेम विवाह से शुरू होकर दरोगा बनकर खत्म होती है, जो गाँव में आज हर एक इंसान के लिए चर्चा का विषय बना हुआ है। दरअसल औरंगाबाद जिले के अंबा थाना अंतर्गत कटिया कर्मा गांव की बेटी और देव थाना क्षेत्र के अति नक्सल प्रभावित कहे जाने वाले भंडारी गांव की दरोगा बनी बहू सुनीता के चर्चे पूरे इलाके में हो रही है। सुनीता ने अपनी प्रारंभिक पढ़ाई गांव में ही की है। सुनीता के ससुराल वालों ने बताया कि उसकी शादी 12 जुलाई 2016 में सत्येंद्र यादव के पुत्र राजीव कुमार यादव के साथ प्रेम विवाह हुआ था। सुनीता को हमेशा पढ़ाई से लगाव रहा है, इसलिए ससुराल में भी कंपटीशन की तैयारी करने की छूट दी गई थी। इसी क्रम में शादी के वर्ष ही सुनीता ने जेल पुलिस की परीक्षा दी थी और पास हो गई। सिपाही से दरोगा बनना उसके लिए आम बात नहीं थी। उन्होंने इस लायक मेहनत की, उसमें काबिलियत है और उसका जो ख्वाब है अभी तक उसका ख्वाब पूरा नहीं हुआ है, और जिस दिन उसका ख्वाब पूरा होगा हमारे परिवार के लिए वो दिन काफ़ी मायने रखता है और काफ़ी मायने रखेगा, और उस दिन हम आपको बधाई देने पहुंचेंगे जिस दिन मेरी बहू बीपीएससी तैयार कर लेगी। वही उसके पति राजीव भी फौज में भर्ती होकर देश की सेवा कर रहे हैं। राजीव अपनी मेहनत के बल पर 2017 में आर्मी की नौकरी हासिल कर लिया। सुनीता के पति ने बताया कि मुझे शौक था कि मेरी पत्नी कुछ अच्छा करेगी और आज हम लोगों के सामने है। हमने जो शुरुआत शादी के दौरान जो सपना देखा था कि हमारा भी पत्नी, हम तो जैसे नहीं बन पाए, अच्छा पोस्ट पर नहीं गए, लेकिन हम सोचे थे कि हमारी वाइफ, कम से कम हम नहीं गए तो वो कुछ अच्छा अचीव करे मुकाम। आज थोड़ी सी सफलता मिली है, लेकिन ठीक है, अभी भी निरंतर प्रयास कर रही है और मैं सोचता हूँ कि और आगे जाए। अभी आप क्या करते हैं? अभी हम इंडियन आर्मी में हैं, अभी हम रांची में पोस्टेड हैं। बता दें कि राजीव की माँ तारा देवी गरीबी के कारण बकरियाँ पालकर और उसे बेचकर अपने बेटे को पढ़ाती रही, जिसका नतीजा आज यह है कि घर में बेटे और बहू दोनों नौकरी हासिल कर न सिर्फ अपनी माँ की अरमानों को पूरा किया है बल्कि अपने गांव समाज का नाम भी रोशन कर रहे हैं। इस नौकरी के बाद जहाँ गाँव में उनके खिलाफ आलोचनाएं हो रही थी, वही लोग भी बधाइयों देने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे। खुशी है कि पुतो हमर दरोगा हो गए, हमर खमदान तर गए, अच्छा। हमर कोख तर गए कि जय कैसन हमर कोख से बेटा पुतो जन्म ले ला कि दरोगा हो गया। हम कितना में अवगुण हो गए, तहिना हम कितना में हली, आज कितना में। कैसा लगी थी अभी? बहुत खुशी लगी, बहुत खुशी, बहुत खुश लगी थी, बहुत खुशी। वही सुनीता बताती हैं कि शादी के समय सुनी थी कि हमारे ससुराल के गांव में नक्सली रहते हैं, लेकिन यह गांव अब नक्सल मुक्त बन गया है, गांव के लोग भी शिक्षित हो गए हैं। सुनीता बताती हैं कि उसका एक 3 साल का बेटा भी है। वह बताती हैं कि मेरे पिता एक किसान थे, जिस कारण मेरी प्रारंभिक पढ़ाई 5वीं तक गाँव के ही प्राइवेट स्कूल में हुई, बाद में सरकारी स्कूल में। मेरे पिता गरीब होते हुए भी मेरे हौसले को कभी टूटने नहीं दिया और शादी के बाद भी मैं और मेरे पति अपनी पढ़ाई जारी रखी। उसने आज के दौर में लड़कों लड़कियों से अपील करते हुए कहा कि पैसे सब कुछ नहीं होता है, शिक्षा के आगे पैसे का कोई महत्व नहीं। प्रारंभिक शिक्षा हमारी गांव से ही हुई है, राजकीय मध्य विद्यालय के टाइम से। इसके बाद मैंने 10th का दिया है राजकृत कमला देवी हाई स्कूल खड़िया से। 10th करने के बाद फिर हम औरंगाबाद गए, IAC किए, वहाँ से BAC किए। BAC के दौरान मतलब मैं स्टार्ट कर दी थी जनरल स्टडी करना, और उसी कर मतलब जनरल दौरान कर ही रहे थे कि हमारी उसी बीच 2016 में शादी हुई, ग्रेजुएशन करने के जस्ट बाद। वहाँ से तैयारी शुरू हुई, शादी भी हो गई, और मतलब हम लोग दोनों, हस्बैंड भी पढ़ रहे थे, मैं भी पढ़ रही थी, क्योंकि उनका भी पहले से जॉब नहीं था। हमारे पापा थोड़े मिडिल फैमिली से आते हैं, तो उनके पास मतलब आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं थी कि जॉब के लड़का ढूंढ सकते उतने पैसे देके। और आजकल तो यहाँ मतलब बस नौकरी होना है कि लड़कों की 10 लाख 20 लाख बेचनी स्टार्ट। यहाँ पे कोई ऐसा नहीं देखता है कि मतलब लड़की पढ़ी लिखी लाए, बस लड़की कैसे भी हो पैसा मिलना चाहिए। तो इस चीज़ को तो हमने देखा है और आज भी देख रहे हैं, ऐसी नहीं है। और हमारी जहाँ शादी हुई, थोड़ा सा ये जो इलाका है पहाड़ी है, यहाँ पे मतलब शिक्षा का भी वो नहीं है, स्कूल भी हैं तो मतलब सरकारी स्कूल हैं, उसमें गाँव के मतलब वो नहीं है, मतलब जितना अच्छा होना चाहिए नहीं है। पढ़ाई के मामले में हमारा गांव पीछे है, और पीछे पीछे रहने के वजह है या फिर
हमारे मतलब अभी जागरूकता की कमी है, जिसकी वजह से लड़के तो पढ़ लेते हैं यहाँ से, लड़के मतलब काफी हमारा जो गांव है यहाँ पे अभी करीबन 35-40 होंगे सब मिला के, मतलब आर्मी हो या फिर पैरामिलिट्री हो या फिर अदर जॉब में हो, लेकिन बेटियों को यहाँ से अभी मतलब उतनी सफलता नहीं मिली है जितनी मिलना चाहिए। तो मैं यहाँ के गार्जियन से और बेटियों से मैं अपील करूंगी कि वो पढ़ें, यहाँ तक पहुँचे, यहाँ तक नहीं वो बहुत ऊपर तक जाए, डीएम बने, कलेक्टर बने, बस मैं यही चाहती हूँ। नहीं चाहती हूँ कि बस वहाँ ऐसी मर जाए, बिहार पुलिस बने, ऐसा ही बने, पर मैं तो खुद ही नहीं चाहती थी ऐसा ही बनना। बहरहाल सुनीता के सिपाही के बाद दरोगा बनने से पूरे इलाके में खुशी का माहौल बना हुआ है, जो दूसरे लोगों को संदेश दे रहा है कि पिछड़े इलाके में भी फूल खिलते रहते हैं। जरूरी होती है सिर्फ मेहनत करने की। औरंगाबाद से बोलता बिहार के लिए किशोर प्रदर्शी की रिपोर्ट। इस खबर के बारे में आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट कर जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।